हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली एक नया अपडेट आया है। पाकिस्तान के साथ ईरान 5 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया है। 5 साल में 5 बिलियन का ट्रेड करेगा पाकिस्तान और ईरान। तो इसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सीधा कॉन्वर्सेशन किया इंडिया के साथ। मतलब पाकिस्तान का कुछ भी हो जाए, पता तो है सबको, किसी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान का तो सीधा कॉम्पिटिशन हो जाता है इंडिया का। तो ईरान के साथ 5 बिलियन ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है। इसके लिए शहबाज शरीफ, जिसका GR 2-3 दिन में जाने वाला है, वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, उसके बाद उसका क्या होगा पता नहीं 2-3 दिन के बाद। तो उसने बयान दिया मीडिया में, अभी पाकिस्तान का साथ सीधा कॉम्पिटिशन, इंडिया के साथ सीधा कॉम्पिटिशन होगा इकोनॉमिक के साथ। और खुद भिखारी है, यहाँ वहाँ इधर उधर से भीख मांगे, चाइना और दुबई इधर से भीख मांगे। अभी उसका 7.5 से 8 बिलियन डॉलर का नेट है उसका, अभी 7 से 8 बिलियन। और इंडिया है 5th largest, दो तीन सालों में थर्ड होने वाला है। तो इसके लिए पाकिस्तान का हम जानता हूँ कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। चलो देखते हैं मजा लेते हैं। बस ये कि अभी हमें पर लगने वाले हैं सर, हमारे शहबाज शरीफ साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ डॉलर्स हमारी ट्रेड चलने लगी ईरान के साथ। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए 5 बिलियन डॉलर्स के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि 5 बिलियन डॉलर्स के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी 4th सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जय शंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। 5 बिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का आपने मैप देखा है? आपने रास्को चागी देखा है? आपने ईरान का बॉर्डर देखा है? सारा फ्यूल यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको ईरान से किसी ने नहीं बताया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है, जो आपने 1995 और 2008 एक गैस पाइपलाइन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? आपने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। अच्छा। चा बिहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चा बिहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था ये स्टेटमेंट देने से पहले कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत दोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जय शंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइन 1400 किस्म के हैं, जो अफगानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। सर क्या वजह? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता। क्योंकि आज दुनिया को उनका और हमारा तवाजुन मालूम है कि हम हिंदुस्तान से कितने घंटे लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान बिना इमदाद, बिना एड कितने साल हमसे, जिसे कन्वेंशनल रवायती वॉर होती है, वो हमसे कितना अरसा लड़ सकता है इंडिया।
तो मोदी साहब पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। आप देखते हैं जो आपके बारे में ऑल फॉल कहते हैं या आपके खिलाफ भाषण देते हैं या सॉरी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, BBC कहती है गुजरात में ये हुआ, पीछे नरेंद्र मोदी थे, आज वो गुजरात आपके साथ खड़ा है। उस गुजरात में हिंदुस्तान का बड़े तरीन डैम्स में से एक डैम है और हिंदुस्तान 10,000 मेगावाट बिजली अपने डैम्स से बना रहा है। 300 अगर कचरीवाल साहब दे रहे हैं फ्री, तो देखें ये किसी नेता ने ये डैम नहीं बनाया। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेट को ये पॉलिसी, ये फंक्शन, ये प्रोसीजर, ये एटमॉस्फेयर फराहम ना करें तो हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं, सॉरी ये देखिए क्षमा कीजिएगा, हम आपके रोशन भविष्य को आपको दिखा रहे हैं आईने की तरह, तो आप 3 रुपए भी पूरी बस्ती को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगा, जितना सऊदी अरेबिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके $100 बिलियन कमाता है, इंडिया एक साल के अंदर सिर्फ अपनी IT में एक्सपोर्ट करके $100 बिलियन कमाता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी का हम यहाँ से बैठकर बयान दे रहे हैं कि भाई $5 बिलियन को लेकर हम इंडिया की इकोनॉमी का मुकाबला करेंगे, दुनिया इसे कैसे देखेगी और हम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर जी शंकर साहब इसे कहीं देखें इस वीडियो को या नरेंद्र मोदी जी साहब आप इसे देखिए, हमारे फाइनेंशियल फेडरल मिनिस्टर थे साग डार साहब, उनका नाम दिया जा रहा था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्हें इन्होंने साइड पे कर दिया। PDM ने ऑब्जेक्शन प्रोटेस्ट किया कि जी हमसे कन्वर्सेशन नहीं हुई, वी आर नॉट एग्री, तो उनकी सीट भी शहबाज शरीफ साहब ने संभाल ली है जो इकोनॉमिक को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान से क्या बना के आप ईरान भेजेंगे, मुझे उस प्रोडक्ट का नाम बता दें। आप एक प्रोडक्ट भेजते हैं वहाँ पे 70 आर्टिकल लिखे जाते हैं, द थाउजेंड ऑफ शियास असासिनेटेड इन द पाकिस्तान। अगर आप देख रहे हैं ये आशूरा पुरावन अमन गया, इसका क्रेडिट आपके CM को नहीं जाता, ये जो आपने डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर बिठाई जिसका मैंने कहा था प्लीज़ रिमूव हर, आपने नहीं किया, इससे नहीं जाता, अदारों को जाता है। और आप कोई स्टेटमेंट देने से पहले उस प्रोडक्ट को ज़रूर बताइए, आप ईरान को क्या, आप ईरान से क्या ट्रेड करेंगे, आप यहाँ से क्या उसको IT एक्सपर्ट भिजवा रहे हैं, आप लैपटॉप भिजवा रहे हैं, आप इंडिया ने जैसे शटल बनाया आप शटल दे रहे हैं, आप उसे कोई मैं वेपन्स की तरफ नहीं आऊँगा, वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाता है, आप बताएं तो सही आपका ट्रेड क्या होगा? फल फ्रूट में वो आपसे ज़्यादा है, पेट्रोल बलूचिस्तान से जा रहा है, बलूचिस्तान का रिजर्वर जो ईरान निकाल रहा है और आपको बेचने के लिए तैयार है, आपने IMF से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, मोदी साहब को फ़ोन कर लेते कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ईरान पे इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, अमेरिका और यूरोप के कितने बैंकों में उसकी कितनी रकम सीज पड़ी हुई है, ईरान की यूरेनियम जो है, ईरान जो यूरेनियम बना रहा है वो किस स्टेज पे है, क्या कभी भी इस पे सैंक्शन लग सकते हैं? यार आप मुझे कहना नहीं चाहिए, हम तो डूब रहे हैं लेकिन आपको बहुत जल्दी है प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको बहुत जल्दी है हमें डबोने की। मैं आपको वाह जिंदाबाद शेर आए नहीं, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों ना कहूँ मोदी साहब लव यू, चाहते हैं हम आपको, आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए, ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये बिनती है हाथ जोड़ के जी। सही हो गया सर, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया सर। एक और भी बात बताना चाहूँगा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी से इंडिया का मुकाबला करेंगे, सर आज की एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया को हैरान कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा लोग अब TV अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देखा करेंगे। आप सोचते हैं, अब एक मुल्क सोच नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर हालात, हमें आटा चीनी दाल रोटी से बाहर नहीं आ रहे सर, वो टेक्नोलॉजी ऐसा बना रहे। अभी नरेंद्र मोदी की आज की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आपको TV समेटकर आपके मोबाइल में दूंगा, विदाउट इंटरनेट आप दुनिया की कोई भी न्यूज़ निकाल कर देख सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम कहते हैं कि IT में हम सबसे अच्छे हैं, क्या हम अच्छे हैं वाकई में IT में? हम IT में सिर्फ इस कदर अच्छे हैं कि जो बाहर से लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं हम उन्हें रिपेयर करके कहते हैं कि जी हम तो चैलेंजेस में आगे आ गए हैं। वो अरब लोग हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये 3rd जनरेशन है मुझे नहीं चाहिए,
फेंका, कुछ किया, आपने देखा कहीं से कोई तार टूटा हुआ जोड़ दिया, आपने कहा हमारा नौजवान तो बुलंदियों को छू गया आईटी के। बताइए आज तक आईटी में आपकी क्या इन्वेंशंस हैं? और आपने जो मोबाइल फ़ोन की बात की कि जी नरेंद्र मोदी साहब मोबाइल फ़ोन में टीवी, बिना सेटल, बिना इंटरनेट, आप देखें सिंगापुर जिनके पासपोर्ट का नंबर नंबर वन है दुनिया में, पाकिस्तान का 107 है, हमारे बाद 108 अफगानिस्तान का, 108 बात चौथे नंबर पर, हम 107 नंबर पे, 107। सिंगापुर के साथ 4 सैटेलाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने साइन कर लिया है। ये मैं आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। मोदी जी, हम जब कहते हैं शुभकामनाएं तो हम वो आपके काम क्यों ना बताएं? कभी लिखा जाता था काले करतूत, वो तो अब गोल्डन करतूत बन गए मोदी जी, वो तो अब गोल्डन करतूत बन गए। 4 सैटेलाइट किसी के साथ साइन करना, सिंगापुर जैसी पावर जिनके पासपोर्ट का नंबर दुनिया में पहले नंबर का पासपोर्ट है, आप जहाँ रखते हैं कोई रिफ्यूज़ नहीं करता, तो आप सोचें इंडियन एक्सपर्ट्स कहाँ जाना चाह रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ सिंगापुर नहीं सर, यूरोप, पूरा यूरोप, उसके बाद अमेरिका के सैटेलाइट भी, चाइना, अपने चाइना के सैटेलाइट तो खैर नहीं भेजे, इसके अलावा आप पर मैं बताऊं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी ऑडियंस को करेक्शन कर सकते हैं, 40 कंट्रीज़ के अभी तक सैटेलाइट को खला तक कर पहुँचाया इंडिया के इसरो ने। जी मैं आपसे आपको खुल के बता रहा हूँ, ब्रिटेन्स ने भी अपना एक शटल भेजा जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, उन्हें मेरे अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो मैंने उसकी वजूहात दी थी और ब्रिटेन से कहा था अगर तुम्हारा ये शटल मिल गया तो आप मुझे लंदन एक माह के लिए बुलाओगे और मैं सैर करना चाहता हूँ लंदन की। इंडिया का देखें 1-2 ये 3 कैसे गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान दुनिया की रिसर्च को पढ़ के अपना लेता है और पाकिस्तान यहाँ जो रिसर्च करता है उसे कहा जाता है आप एडवोकेट नहीं है, यू आर सैनिटरी वर्कर, आप रोड पे सफाई करने वाले हैं। यहाँ पे जो रिसर्च काम करता है उसकी दाल रोटी बंद कर दी जाती है, उसके पाँव से जूता निकाल दिया जाता है, उसके सर से छत खींच ली जाती है, जबकि इंडियंस बैठे हैं। मैं एक बैड न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, अगर आप फेसबुक पर जाके देखें वो ब्रिटेन सेटेलाइट जब मिस होता है, और मैं फेसबुक पर पूरा रिसर्च आर्टिकल लिखता हूँ, इंडिया ने जब अपना ये शटल छोड़ा कहेंगे यार ये शख्स क्या कह रहा है। इंटरनेट तो झूठ नहीं बोलता, डेट के साथ हर चीज़ आएगी, उन्होंने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया, ये पाकिस्तान के सैनिटरी वर्कर की हर रिसर्च को ऑब्जर्व किया। मोदी दुनिया में, मोदी साहब ये नहीं सोच रहे ये मुसलमान है, ये चाइनीज़ है, ये क्या है, उनके लिए सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान, ये मोदी साहब कह रहे हैं। आज मुसलमान उन पे कट में मरने को वहाँ तैयार हो रहे हैं। Exactly. पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई थी ये थी कि वो वहाँ से, हमारे यहाँ जो पॉलिसी, मैं वर्ड पाकिस्तान यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ चंद टकों पे बिक जाने वालों ने, जो एक नाचने वाली की तरह अपना बदन, अपना ज़मीर, अपनी कौम सब कुछ बेचते हैं कि नहीं ये हिंदुत्व को उठा दें, ये ट्यूनिशन थियरी को उठा दें, वहाँ से 45 करोड़ मुसलमान बॉर्डर तोड़ते हुए आए। अगर आज अंजू की शादी हुई, अगर मोदी साहब वो 34 करोड़ पश्तून यहाँ भिजवा दें तो क्या पाकिस्तान उन्हें कबूल नहीं करेगा? बड़े इस्लाम की बात करते हो, सेंसिस यहाँ हो रहे हैं कि जी इतने अफगान महाजरीन ने निकाला जाएगा, हमारा दिफा मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, आप जरा उन्हें निकाल के तो देखें, उनकी थर्ड जनरेशन है, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड अमेरिका से निकलवाया कि हमारे एक एक बच्चे के नाम पे कितना कितना पर मंथ डॉलर आता था। ठीक है वो रकम दे दें, मैं शाम को उन्हें पाकिस्तान से भेज देता हूँ, वो रकम इतनी आप अपना 10 दफ़ा भी बेच के पूरी नहीं कर सकते। सर हाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है रिलीजियस को लेकर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप किसी से भी रोड पर चलते हुए किसी भी आदमी को जाकर मैं कहूँगा इंडिया और हिंदू, इनकी शक्लें चेंज हो जाएंगी, ये कहेंगे कि भाई वो बड़े ही अजीब, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, ये इतनी नफरत क्यों है हिंदुओं को लेकर, इस बारे में थोड़ी सी अपनी रहनुमाई कीजिएगा हमारे ऑडियंस की। ऑडियंस नो डाउट नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक धार्मिक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन धार्मिक के साथ वो एक रिस्पॉन्सिबल भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सबसे बड़ी क्या है जो जो उन्हें इतना रोशन कर रही है,
लक्ष्मी देवी साहिबा जो इतना मेहरबान हो गई हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के गले पर, हिंदुस्तान के पॉकेट पर। इंटरफेथ रिलीजियस हारमोनी, ये मोदी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं भगवान अगर आके हमने आरती नहीं उतारी, हमने पूजा पाठ नहीं करी, तो भगवान ये आपका हमारा ताल्लुक है। अच्छा। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में मेरे किसी अमल से उन्हें दुख पहुंची, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ख़िलाफ़ है। और मुझे पता है आप मुझे नहीं सुनोगे। जिन लोगों का ऐसा ईमान हो, तो लक्ष्मी देवी खुदा ताला के लिए सिर्फ को कहा गया या वहाब हो या गनी हो, हर चीज़ देने वाला, गनी वास्य वसत देने वाला। तो जब आप इस तरह से चलोगे तो ऊपर वाला आपको नवाजेगा। जब मैं 2017 में इंडिया गया, मुझे वहाँ ऑफर हुई कि आपकी यहाँ शादी करवा देते हैं, यहाँ रह लो, आप पाकिस्तान ना जाना। अच्छा, तो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ से किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जी FIA का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। अच्छा। उन्होंने जब मेरा इंटरनेट रिकॉर्ड निकाला, उन्होंने कहा दिवाली ये मना रहा है, सॉरी होली ये मना रहा है, क्रिसमस पे ये जा रहा है। अच्छा। और तमाम जितने भी रिलीजियस वो हैं, उमर भी लग ये मना रहा है, तो ठीक है, मुझसे उन्होंने रियायत करी। कहा लेकिन अब आपका जाना बनता नहीं, सोच समझ के जाइएगा। अच्छा। हम अब यहाँ हम आपको ऑफर करें, वकला ने कहा, उनके किसी अदारे ने नहीं कहा, उनके किसी नेता ने नहीं कहा कि आपको बिजनेस भी करवा देते हैं। जब मेरी वकालत देखी, लॉ पे ग्रिप देखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे आता है और क्रिमिनल सिविल, आप उन्होंने कहा आप चलोगे बल्कि दौड़ोगे हिंदुस्तान में। मैं पाकिस्तान आया, यकीन जाने कि मुझे सजा दी गई कि हिंदू के साथ क्यों बैठ के कहते हो मेरा भाई है, ईसाई के साथ क्यों बैठ के यूं चलते हो, तुम क्यों कहते हो कि यहूदी हमारे भाई हैं, तुम क्यों कहते हो कि पारसी हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस मुल्क में एक रिवाज बन गया है, एक फैशन बन गया है, एक कल्चर बन गया है। आप अगर ठीक चलेंगे तो आपको चलने नहीं दिया जाएगा। आज मैं यहाँ खड़े होकर मोदी जी के ख़िलाफ़ दो नारे लगाऊं और उनका कि इस ग्रिल का पुतला जला दूं, तो आप देखें मेरे पास पैसे भी आएंगे, मुझे शोहरत भी मिलेगी, मुझे दोबारा से बता दे गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में लिख देगी कि सैनिटरी वर्कर नहीं, ये तो एडवोकेट है, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट्स तक में लिटिगेशन करता रहा है बर्मा इशू पर। तो मोदी जी धार्मिक इंसान है, लेकिन जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब्स हैं, वहाँ पे वो नेग्लिजेंस नहीं करते। वो मंदिर जाए ना जाए, लेकिन अपनी जनता को उन्होंने यूँ रखा हुआ है, अपनी औलाद की तरह, बच्चों की तरह और एक परिवार की तरह हिंदुस्तान रह रहा है। शहबाज शरीफ साहब, ईरान से ये जो आपने स्टेटमेंट मैं इनसे सुन रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी, मैं रिलाई करता हूँ, मुजम्मिल कुरैशी को जानता हूँ, ये गलत बात नहीं करते, रूमर्स नहीं फैलाते, कॉन्स्पायरेटर माइंडेड नहीं है। क्या आपने सोचा आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव का केस पड़ा हुआ है? ईरान ने एविडेंस देनी थी, कुलभूषण जाधव इंडियन आर्मी ऑफिसर जिन्होंने इंटरनेशनल वियना कन्वेंशन जो है वॉर प्रिजनर्स अपना वो कोड यूज़ किया, ईरान ने आपके अगेंस्ट एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं दी। क्या किया ईरान ने? अगर ईरान दे देता वो केस आप टिप्पे जीत गए थे। आपने किसी चीज़ को नहीं देखा, आपने अपने अपने आपने फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा। अगर मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो, एस जे शंकर ने दो बुक लिखी हैं, द इंडियन वे और स्ट्रेटजीज ऑफ अनसर्टेन वर्ल्ड, तो बिलावल भुट्टो किसी से कम नहीं है। इसके कहने का मतलब ये, वो किताबें पढ़ रहे हैं, वो अपने बड़ों के तजर्बे पर चल रहे हैं। अगर बिलावल चल सकता है एस जे शंकर के लिखे हुए एक्सपीरियंसिस पर, तो आप नरेंद्र मोदी साहब के एक्सपीरियंस पे क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल सही बात है, आपको चलना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं,